अमित भाई कैसे हो? बहुत अच्छा संदीप, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूं। तबीयत खराब थी, कैसी है अब? थोड़ी थोड़ी खराब लग रही है। अभी मैं होली की मस्ती करके आया हूँ ना बनारस से, तो थोड़ा सा लग रहा है मे बी इट इज अ सीजन जैसे चेंज हो रहा है, तो वेदर की वजह से हो सकता है। आई होप कि कोविड पॉजिटिव ना हो, लेकिन मैं अपने आप को पहले से ही आइसोलेट करके अलग आराम से रह रहा हूँ, तो अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, तो हल्की हल्की सी सर्दी जुकाम सिरदर्द टाइप का लग रहा है, बट इट्स ऑल वेल। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे पता है ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है, तो मैं आपका थोड़ा सा सेहत ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे कीजिए। साथ है मनोज भाई, और मनोज जी ने पिछले 10-15 साल से ट्रैवलिंग में अपना पूरा टाइम दिया है, और इसी इंडस्ट्री में इन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है, और उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत मजेदार है। तो हम मनोज भाई से भी बात करेंगे। और कैसे हो मनोज भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया संदीप भाई, आप कैसे हैं? ऑल वेल ऑल वेल। सो नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो मैं कहता रहता हूँ, ट्रेवलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर मी एंड होपफुली फॉर ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली तो अच्छा दैट्स है, राइट, ये एकमात्र दवा है जो हम सबको ठीक करेगी फिजिकली और मेंटली। तो आपसे बात करके मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो मनोज भाई, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, और किस तरीके से आपने इस ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, और साथ ही साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को हम लिमिटेड रखेंगे कुछ सर्टेन एरियाज में, लाइक पास्ट में ट्रैवलिंग का किस तरीके से एक्टिविटीज रही और ग्रोथ था, अभी करंटली पेंडेमिक में किस तरीके से कोविड की वजह से ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री में किस तरह का चेंजेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और आने वाले टाइम में अपन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आपके अपने इंट्रोडक्शन से, अपने बारे में कुछ मजेदार किस्से और कुछ आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो थोड़े से बताइए प्लीज। जरूर सर, मैं उम्मीद करता हूँ यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। सो एक्चुअली मैंने ट्रेवल में कम से कम मोर देन अ डेकेड मैंने काम किया है। जब मैं शुरुआत की ट्रेवल इंडस्ट्री में, तो मुझे पता नहीं था कि मैं आई एम गोइंग टू बी अ ट्रेवल प्रोफेशनल इन फ्यूचर। सो आई यूज टू वर्क इन द कंपनी लाइक लाइक लेट्स से कि बैंक जाना एंड ऑल दीज थिंग्स यू आई यूज टू डू, एंड देन आई गॉट अ चांस फ्रॉम माई सीईओ ट्रैवल कंपनी में जो बुकिंग्स वगैरह ये सब करने का ये सब, तो ये उन्होंने मुझे बड़ा एक्सपोजर दिया। एंड आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, सो ये कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो मैंने 12 साल 12-13 साल मैंने भी मैंने इस बीकॉम ही ट्रैवल किया है, ग्रेजुएशन मेरा भी कॉमर्स में ही है। अच्छा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ट्रैवल से तो सर। ट्रैवल हॉबी पैशन बन जाता है ना? नहीं, बीकॉम एग्जैक्टली हो या वही कुछ वही भी बात। पढ़ाई हो, वो आपको जनरल बताता है कि कोई काम को कैसे ढंग से करते हैं, उस नॉलेज को आप कहीं पे भी अप्लाई करो। सो ट्रेवल एंड टूरिज्म इज ऑल्सो बिजनेस, तो आप बिजनेस में तो या कर ही रहे हो। दैट्स राइट। सो मैंने मोर देन 12 इयर्स मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, एंड आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट ऑल ओवर इंडिया, लाइक कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात, अ फ्यू प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट, एंड आई एम इन माउंटेनियर। सो मैंने मनाली में एक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, बेसिक एंड एडवांस बोथ। सो मैंने वहाँ पे मैंने बहुत सारी सीखी चीज़ें सीखी माउंटेन्स के बारे में, हाउ टू सर्वाइव देयर इन द माउंटेन्स एंड ट्रैकिंग टूर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन उसके बाद में मैंने एक खूब बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं विद इन हिमाचल, उत्तराखंड, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट जो मैंने क्लाइम किया है वो स्टॉक कांगरी है लद्दाख में। सो इन क्या टू हाइट है थाउजेंड फिफ्टी उसकी? इट्स अराउंड 22,000 फीट, ओके। सो या अप्रोक्स 53 और 54 5,500 मीटर समथिंग अराउंड। सो आई वाज देयर विद लाइक टू कैनेडियन क्लाइंट, एंड इट वाज रियली एंजॉयबल ट्रैक, लाइक इट वाज 7 to 8 days ट्रैक। सो एंड देन 7 से 8 दिन तक आप लोग लगातार केवल चल रहे थे? दैट्स राइट, या लाइक लेट्स से 6 days एंड देन टू डेज टू लाइक केम डाउन। तो 6 दिन हमको समिट तक पहुंचने में लगे, एंड 2 days 2 and a half days में हम लोग नीचे वापस ले आ गए। तो इट वॉज एन एक्सपीरियंस, लाइक क्वाइट एन एक्सपीरियंस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे अगर कहें कि मुझे माउंटेन्स बड़े पसंद हैं, कि मैं अपनी पूरी जिंदगी माउंटेन्स में गुजार सकता हूँ, कि ये मैंने आई ट्रेवल्ड अलॉट, कि मैं जितनी भी जगह पे गया हूँ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, नेपाल में गया हूँ, एंड ये सब चीज़ देख के मुझे लगता है कि
आई लव माउंटेन्स, सो मैं, मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी मतलब जो मुझे एक्सपोजर मिले जाने का। अच्छा है, आजकल इंस्टाग्राम रील पे ये बहुत चल रहा है कि किसी को किससे मोहब्बत होता है, मुझे पहाड़ से हो गई, तो अच्छी बात है। लेकिन वो समिट का जो आप बता रहे हैं, वो 6 दिन का आपने ट्रेकिंग करके गए, उस पूरे में व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट आपका वो ट्रेकिंग में? It was like the journey, let's say, on the starting from day one, and by the moment when we came down to Leh, it was all like fantastic, just stunning. But especially when we reached on the summit on the last day, like on the let's say around 6th or 7th day, so we started midnight around 12 or 1 o'clock in the night, and then around 5 in the morning we reached there. And that was the most interesting, like the moment of my life, the most memorable moment, because when I was there, when we, the moment we reached there, we could see the sunrise, like the sun right from the mountains. So that wasn't like that I never seen before. So, and I could see the complete whole mountains range there, and the clouds, and the sun coming up. So there were a lot of things. I was just for a moment, I was stunned. I was just standing there and I was watching all these. It was brilliant. So this is the best experience in my life. One of the best experience of my life. I can imagine. Sandeep, तुमने वो लेह का bike trip किया है क्या? नहीं, लेह में गया ही नहीं हूँ और मुझे जाना है. ये like in my dream track and I definitely would be there. और मनोज भाई, हमारे लिए एक लेह का आप करो एक ट्रैक, ताकि हम लोग जाएं और उसको देख के आएं. डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि जो श्रीनगर से लेह हाईवे है एंड लेह से जो मनाली हाईवे है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी. लाइक इफ यू विल गो देयर, लाइक मैं कह सकता हूँ आपको 100% कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस, एंड आपको यू लगेगा कि आई एम समवेयर एल्स, कि मैं मतलब कहीं पूरी अलग ही दुनिया में हूँ. सो व्हेन वी इन, लेट्स से इट वाज माय एक्सपीरियंस इन 2016-15, आई वेंट टू ले फ्रॉम श्रीनगर बाय ड्राइव. सो वी टुक अ स्टॉप ओवर. या सो देयर कीप कंटिन्यू, सॉरी. या सो देयर वाज, वी टुक अ स्टॉप ओवर देयर इन कारगिल फॉर अ नाइट. And we started driving from Srinagar and a stopover in Kargil, and then next day to Leh. And then after visiting Nubra Valley, Pangong So Lok and Lake and all these things, then we were coming down to Manali. So we took one stopover in Sokar and then Jispa and then Manali. So the drive from Leh to Manali, it is an incredible drive. Like one can definitely visit that. I mean, In your life, once in a time, like this is really actually इसलिए मैंने संदीप से पूछा भी, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है. और जब आप बता रहे थे ना कि वो माउंटेन के समिट पे, शिखर पे पहुंच के जब आप मॉर्निंग में सनराइज देख रहे हो, एंड इट वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ना, तो आई कुड इमेजिन. क्योंकि जब मैं भी इस ट्रिप पे गया था, तो हमने क्या किया था, हम लोग दिल्ली से 3-4 दोस्त निकले थे, हम लोग मनाली गए, मनाली से बाइक रेंट किया और बाइक से हम ले तक गए, वो पूरा जिप्सा विप्सा होते हुए. और हम लोगों ने 2 दिन में वो कंप्लीट किया. 2 nights in between हम लोगों ने हॉल्ट किया था एक जगह पे, एक होम स्टे किया था जहां तक होम मिलता है, आगे तो आपको घर भी नहीं मिलते, कुछ रहते नहीं. तो ट्रिप के दौरान ही कुछ लोग टेंट लगा के जो करते हैं, तो टेंट में रहे थे. एंड देन फाइनली हम पहुंचे लेह में, 2 दिन रहा. फिर मैं उधर ही से आया था, कारगिल बालटाल, कारगिल होते हुए आई थिंक सोनमर्ग या गुलमर्ग जो भी होता है, करते हुए श्रीनगर, श्रीनगर से फिर फ्लाइट लिया था. सो एनीवे, माय एक्सपीरियंस वाज आल्सो दिस क्वाइट अ बिट सिमिलर, और इसीलिए आई कुड कनेक्ट विद यू. आप वो जो लेह वाले ट्रिप पे जाते हो ना, तो आपको एक ही जगह, खासकर आप पेंगोंग लेक पे भी जाओ, तो यहाँ पे लेक पे पानी है, रास्ते में इधर साइड में रेगिस्तान है और पहाड़ है. तो मेरे लिए एक कुछ इस टाइप का था ना. और भी उधर के जितने रास्ते जाओ, तो कुछ पहाड़ आपको थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, कुछ ब्राउनिश दिख रहा है, कुछ येलोइश दिख रहा है, कुछ ब्लैक दिख रहे हैं. तो कुछ इस तरीके का लग रहा था कि भाई मैं किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं क्या, कोई मंगल ग्रह टाइप का है क्या, क्योंकि
इस तरीके का इमेजिन नहीं किया कि एक ही जगह पे आपको जो लेक है वो इतना बड़ा है, वहीं पे लेक के साइड में ये पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान टाइप का दिख रहा है, और पहाड़, मतलब अदरवाइज इन आर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में थिंक ऑफ कि यू नो समंदर दूर कहीं और होगा, गोवा मुंबई में इधर में होगा, रेगिस्तान राजस्थान में होगा, पहाड़ हिमाचल में होगा, और ये सारा कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे आ गया अलग अलग कलर के, बिकॉज उन पहाड़ों में ना मिनरल कॉम्पोनेंट भी अलग अलग है ना, तो इसकी वजह से उनका कलर अलग अलग भी दिखाई देता है। और फिर वो जो रास्ता मैंने करने के बाद, द ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में मेरे दिल से जेन्युइन एप्रिसिएशन आया, दैट इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने रोड जो इतना अच्छा बनाते हैं, और हमेशा वो बारिश होता है या बर्फ गिरता है तो बीच बीच में टूटता रहता है और वो बनाते रहते हैं। So the very genuine appreciation came out of my heart for BRO, कि चलो कोई तो सरकारी डिपार्टमेंट है जो साला ढंग से काम करता है और अच्छा काम करता है। तो रोड बहुत अच्छे हैं, मतलब वो माहौल और वो जो ब्यूटी है, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देता है। तो संदीप, आई हाईली रिकमेंड, अगर आपने नहीं भी किया है तो आप करो। जितनी ज्यादा ये सारे जितने जो पॉइंट्स है ना, जैसे जैसे आपका एज कैचअप होता जाएगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा परेशानी बढ़ती जाएगी। एंड देयरफॉर कीप इट एज एन टारगेट, आई एम नाउ 37, सो मैंने टारगेट कर लिया था कि भैया 40 से पहले ये सारे जो थोड़ा मुश्किल राइड लोगों को लगते हैं वो सारा पहले ही कर लेना। मैं डेफिनेटली, आप लोग जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं यहीं से बैठ के इमेजिन कर रहा था कि किस तरह का वो, किस एक खुशनुमा और डिफिकल्ट ट्रैक है जिसमें मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली मैं वहां जाऊंगा। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि वहां जाने का एक सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा है, ताकि उस टाइम हम प्लान कर सके, या फिर मनोज जी? बेस्ट टाइम सर ये होता है कि जैसे आप मई के बाद में, मई और जून से स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना, पासेस खुल जाते हैं, सो दैट्स उससे पहले तो बंद रहते हैं ना, उससे पहले आप जा ही नहीं सकते। मैं तो दोबारा दोबारा तिबारा भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हूं भाई। लेट्स प्लान फॉर, आई एम ऑलवेज ऑलवेज, इतना बढ़िया वो रहा। उसमें भी स्पेसिफिकली वन ऑफ द नाइट्स जब हम लोग जा रहे थे ना, तो पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम हो जाता है वगैरह वगैरह टाइप का, तो जब हम वहां मनाली से भी हमें पास लेना होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो पास इशू करते हैं, तो हमें पास मिलने में बड़ा टाइम लग गया था। एंड देन अब आज दोपहर के बाद हमें मिला, तो हमें उसको लेके इमिडिएटली वो जो फर्स्ट पॉइंट है क्रॉस करना था, अगर नहीं करते हो तो कल के लिए फिर नया पास का इशू होता, तो हम लोग निकल गए थे। एनीवेज, वन ऑफ द नाइट्स मुझे बहुत अच्छे से याद है, पहला वाला नाइट तो हमने एक जगह पे होम स्टे किया था गाँव में, वो तो ठीक था। दूसरा वाला जहां पे कर रहे थे, तो पहाड़ों में क्या होता है ना, जब तक सनलाइट है, सनलाइट इज लाइक योर रियल मेडिसिन देयर, जब तक सूरज चमक रहा है तब तक तो सब बढ़िया है। जैसे ही सूरज डूबना शुरू हुआ भाई साहब, जो आपको वो ठंड लगेगी ना। तो मुझे याद है कि हम लोग थे, सूरज डूबना हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे एक टेंट वाला व्यवस्था है, आई थिंक जिप्सा कुछ था, मेरे पास पिक्चर्स है। तो हमने कहा कि चलो यहीं पे अब रात गुजारते हैं, और हमने बाइक खड़ी की, और उसके यार टेंट में उसने दो दो गद्दों का और ऊपर से दो दो रजाइयां ओढ़ी, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। एक तो हम ट्रेवल कर रहे थे बाइक से, तो ऑलरेडी वी वर हैवीली लोडेड, लाइक अंदर इनर है, ऊपर से जीन्स है, ऊपर से स्वेटर है, ऊपर से वो कवर है, पूरा कवर किया था, उसके बावजूद दो दो रजाइयां उसे लेके ओढ़ी, और इतनी ठंड कि किसी की हिम्मत नहीं, जैसे ही हम लोगों ने बाइक खड़ा किया, उसे टेंट लिया, अंदर घुसे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रात में हम उससे निकल के हम कुछ खाना भी खाए। अच्छा। उससे फिर बोला कि भाई हमें वो वहां पे बेस्ट थिंग इज दैट यू ड्रिंक जिंजर लेमन, जिंजर हनी टी, तो उससे चाय मंगाया, आई थिंक एक आध बंदों ने मैगी वैगी बोला या चिप्स विप्स बिस्किट खाया। लेकिन कहने का मतलब, इतनी ठंड लग रही थी हमें कि हमने कहा कि भाई एनीथिंग, खाना हो या कुछ भी हो, जिससे इसे बाहर निकलना पड़े, हम निकलने को तैयार नहीं है। एक आध मेरे दोस्तों को थोड़ा कम भी होने लगा, उसको ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हुई, तो हमने छोटा सा सिलेंडर लिया था, उसको ऑक्सीजन दिया, दवा दिया। ओनली पूरे उसके बाद सुबह तक में मैं एक बार केवल निकला, बड़ी मजबूरी में निकलनी पड़ी, रात को हो गए थे मेरे ख्याल से 2-3, और मुझे लगी थी जोर की सूस, कहा कि भाई अब मजबूरी है कि निकलना ही पड़ेगा। और मैं टेंट से बाहर निकल के गया, बाहर ओपन में ही आप करते हो, वहां पे तो बहुत सुविधा नहीं होती है, और मैंने ऊपर उठ के आसमान को देखा, एंड द स्काई लुक्ड सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल, लगा कि
तारे वारे थोड़ा और नजदीक आ चुके हैं आपके, एकदम खुला में इतना मस्त गैलेक्सी दिख रहा है, तो दैट व्यू आई रिमेम्बर। इसीलिए मैंने बोला ना कि जब आप समिट से आप देख रहे थे सो आई कुड कनेक्ट, क्योंकि आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नाइट। लेकिन इन सब चीजों में थोड़ा लकी भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने चढ़े और उस दिन अगर वो थोड़ा वेदर खराब होता, स्नोई होता, वेदर होता, तो वो आप बिल्कुल नहीं देख पाते। वेदर बड़ा मैटर करता है, राइट? हाँ हाँ, तो पहाड़ों पे वेदर में कैसा है, तो क्लियर स्काई है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। अच्छा हाँ, और उस टेंट पे बैठे जब मैं वापस जाकर सोया ना, मुझे एक सपना आया। सपना क्या आया, क्योंकि तब तक हम इतने थक गए थे दिन भर बाइकिंग करके वगैरह वगैरह, सपने में मैं देख रहा हूँ कि आगे हम लोग यहाँ से निकले, आगे एक मस्त शहर से आया, शहर में बढ़िया होटल रिसोर्ट है, और होटल में जाके मैं फुल बॉडी एकदम गर्मा गर्म मसाज ले रहा हूँ। सेम जैसे हम ले के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो ट्रांस हिमालयाज है, तो जैसे ट्रांस हिमालयाज में लद्दाख आ गया, सो स्पीति जो है वो एक आल्सो एक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन, लाइक हमको विजिट करना चाहिए। सो ये एक बड़ा सुंदर रीजन है। लाहौल स्पीति जाने का मेरे दिल में बहुत टाइम से इच्छा है, बल्कि इनफैक्ट तब से मेरे एक दोस्त भी उधर के हैं, तो कई बार जब उन्होंने भी बताया ना कि ऐसा ऐसा है, तो मैं तो अभी तो रोड से ज्यादा कनेक्टेड हो गया, मैं जब डिसकनेक्टेड था ना तब जाना चाहता था कि उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखे, right. जब कनेक्टेड हो जाता है तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ टूरिस्टिक प्लेस ना, राइट? अब ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घूमता ही रहता हूँ, अभी ये लॉकडाउन में हमें बंद करके रखा है, अदरवाइज महीने में मैं 15 दिन घूमता ही था, 15 ही दिन मैं दिल्ली या अपने घर या कहीं पे मिलूंगा, और घर पे भी मैं रहता हूँ तो मेरा काम ऐसा है, होम फॉर मी इज जस्ट अ प्लेस टू स्लीप, जहाँ पे एक बेड मिलता है और सुबह में टॉयलेट मिलता है, उसके अलावा मैक्सिमम टाइम मेरा बाहर ही होता है। तो अभी अभी हम काफी मनोज भाई के बारे में काफी जाना, और ट्रैवलिंग की और ट्रैकिंग की बहुत सारी बातें करी, अब हम इस कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं पास्ट में, जहां हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ट्रैवलिंग का सिनेरियो था, और अभी करंट में किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो मनोज भाई जी, पैंडेमिक को थोड़ा अच्छे ढंग से भी समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि one of the worst hit segment in the pandemic is travel industry. तो उससे पहले कितना अच्छा इसका growth scope था, opportunities थे, employment था, और pandemic के दौरान क्या क्या मुश्किलें हुई हैं, कितना badly hit है ये segment. बिल्कुल सर, ये actually tourism industry pre-COVID अगर मैं बात करूँ तो it was going in a beautiful manner, कि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारी जॉब्स मिल रही थी लोगों को, बहुत बिजनेस आ रहा था, इनफैक्ट मैं बात करूं कि इंडिया की जीडीपी में 6.8% का योगदान था टूरिज्म का बिफोर प्री कोविड। सो अब प्री कोविड, उससे पहले तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स थे, लोकल गाइड्स हुए, ड्राइवर्स हुए, होटल इंडस्ट्री हुई, एंड प्लेसेस लाइक जो हिमाचल हुए, ये जो छोटे छोटे होम स्टेज हैं वो अर्न कर पाते थे। And the one important thing I have noticed in last few years is जो off the beat इलाके हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, जैसे अपन लाहौल स्पीति की बात करें, it wasn't connected, तो लोग बहुत कम लोग ज्यादा मतलब जान पाते थे इनके बारे में। तो अभी पिछले सालों में क्या हुआ, कोविड 2019 से पहले क्या होता था, पिछले तीन मतलब 16, 17, 15 उसमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला इनको, अरुणाचल में, आसाम में, हमने खुद ने बहुत टूर्स ऑपरेट किए, लोग जाने लगे हैं, फॉरेन टूरिज्म जो टूरिस्ट आता है, उसके अलावा जो अपना डोमेस्टिक क्लाइंट है वो भी बड़ा मतलब विद इन इंडिया खूब घूम रहे हैं। तो अभी मैं उड़ीसा गया था 2017 में, तो मैंने वहाँ के बारे में जैसे उड़ीसा और ये विशाखापट्टनम गया था, तो वहाँ पे जो बस्तर, जो वहाँ पे जो इलाके हैं नक्सलवाद वाले, तो वहाँ पे भी लोग इस वजह से ज्यादा जानते थे। फिर पिछले कुछ सालों में टूरिज्म में बड़ा अच्छा हुआ है, कि वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दशहरा जो भी फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर वहाँ पे जाने तो इट वाज रियली लाइक इंटरेस्टिंग टू नो। तो ये चीजें बड़ा, तो इंडिया का जो ओवरऑल टूरिज्म है वो बड़ा अच्छा ग्रो हुआ, और प्री कोविड से पहले तक तो हम लोग बड़ी अच्छी पोजिशन में थे, एंड कोविड के बाद में लाइक जैसे ही कोविड आया सडनली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया,
ये बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आपसे कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो इंडस्ट्री है वो ट्रेवल इंडस्ट्री मानता हूँ मैं, क्योंकि आप मानिए कि हम स्टार्ट करें अगर टूर ऑपरेटर से तो दे कैन नॉट लाइक अर्न एनीथिंग, कि कुछ भी नहीं आ रहा बाहर से, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हैं। छोटे से छोटे अगर मैं ड्राइवर से बात करूँ, कैमल राइड वाले की बात करूँ, एलिफेंट राइड वाले की बात करूँ, तो एवरीबडी इज लाइक कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आई वॉज इन टच विद, वो लोग अपनी गाड़ियां बेच चुके हैं एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो किसी ने कोई दुकान खोली है, किसी ने किया, तो वो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से ही अपना नाता तोड़ चुके हैं, उस तरीके की हुई है। मतलब बड़ी दिक्कतें हुई लोगों को, काफी जॉब्स चली गई। और इट्स नॉट अबाउट ऑल द लाइक द फ्रीलांसर्स, बट जो लोग जैसे कोई टूर ऑपरेटिंग कंपनी है उनके यहाँ पे 15 लोग काम करते हैं, तो 15 की 15 में से शायद ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, जितने भी लोग थे वो सब चले गए, सबकी जॉब चली गई। एंड सेम गोज अबाउट होटल इंडस्ट्री, उसमें भी ये हुआ कि बड़ा मतलब नुकसान देखने को मिला हमको। बट हम उम्मीद, जैसे हम अगर आगे की बात करें तो आई थिंक मुझे, मेरा अनुभव ये कहता है पर्सनली कि अब जो है वो बड़ा अच्छा बूम आएगा। जैसे कि 2008 की मंदी के बाद में तो बहुत अच्छा क्लाइंट उठा था जो हमने देखा, एंड एक 9/11 हुआ था 2001 में, उस टाइम पे बड़ा टूरिज्म एकदम डिस्ट्रॉय सा हो गया था इंडिया में। बट उसके बाद में जो मार्केट उठा 2003 में 4 में, दैट वाज इनक्रेडिबल, उसमें बहुत अच्छा चला मतलब वो सालों तक। तो उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम पे टूरिज्म बहुत अच्छा बूम आएगा टूरिज्म। मेरा एक क्लाइंट है, जर्मनी से है, एक दो यूएसए से है, तो हम उनसे बात करते रहते हैं, तो उनका कहना ये है कि नाउ हु केयर अबाउट कोविड एंड ऑल, हम लोग भरे बैठे हैं अंदर से कि हमें अब आप छोड़ दो, हमको बस घूमना है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, 1 से 1.5 साल से अंदर पैक हो गए हैं, नाउ लेट्स मूव, आप एक बार बॉर्डर ओपन कर दो, कोरोना इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल टेक केयर विद इट एंड लेट्स ट्रेवल। सो बहुत सारे इस तरीके से हैं, तो मुझे भी इस तरह का लगता है कि, और अभी एक चीज देखोगे कि जैसे ही 2020 में जब COVID-19 के बाद जैसे ही थोड़े से रिस्ट्रिक्शन कम हुए थे, लोग जाना शुरू करते। मैंने भी बीच में 2-4 टूर किए थे शिमला की तरफ और इधर की तरफ, तो लाइक पीपल आर कमिंग मैडली, लाइक वो चाहते हैं कि जाके और जैसे अमित भाई आपने भी लास्ट मंथ आपने टूर किया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा। मैं भी मनाली गया था, तो मुझे भी लगा कि लोगों का एक तो फियर भी निकल रहा है, या फियर निकालना चाहते थे या जो भी कह ले। तो डोमेस्टिक ट्रेवल में तो मैंने देखा कि यार फिर भी भीड़ काफी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे जैसे कुछ पागल लोग ही घूम रहे होंगे, लेकिन देखा कि नहीं, काफी फैमिली के साथ लोग घूम रहे थे। सो दैट्स वन। सेकेंड चीज, तो दोनों में थोड़ा एक और बताइए, एक तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट होगा तो हमें मालूम है कि उससे वर्स हिट हुआ है, लेकिन कैसे वो उससे रिलेटेड कुछ एक घटना वगैरह बता सकते हैं जिससे पता चले कि किस हद तक लोग प्रभावित हुए हैं। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, फ्यूचर का फिर उसमें कैसे लग रहा है, क्योंकि उसमें फिर एक यू नो डिस्कशन शुरू हो गया था कि टच बेस्ड इकोनॉमी, यू नो लोग बात करने लगे कि ऐसी चीजें लोग करना चाहेंगे जिसमें मिनिमम टच हो किसी भी चीज का, राइट? और उस हिसाब से तो नो, अभी जैसे कुछ लोगों ने पैंडेमिक के टाइम में ई ट्रेवलिंग शुरू करा दिया था, घर बैठे बैठे आप ट्रेवल करो। इनफैक्ट मैं तो कुछ कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करता हूँ, मैं गूगल मैप पे ही घूम लेता हूँ, गूगल अर्थ पे ही, यो अर्थ पे जाके आप उसको जूम करके उस हिसाब से मैं लाहौर, इस्लामाबाद सब घूमा हुआ हूँ, सब जाके देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या लोकेशन है, यहाँ पे क्या लोकेशन है वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो, कि लोग और ज्यादा घो जा रहे हैं, जिसको बोल रहे कि रिवेंज ट्रेवल, कि भाई हम तो अभी बैठे हैं, लॉकडाउन है, जैसे ही खुला एकदम हम भड़ास निकाल रहे हैं, हमें तो सब करके आना है टाइप का। तो आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में से किधर की तरफ जाने वाले हैं हम? सर एक्चुअली मेरा जो मेरा अनुभव कहता है, जितने लोगों से मैंने लॉकडाउन में बात करी और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, तो ये है कि जब एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलेंगी ना, उसके बाद में इतना ट्रैफिक आएगा, इतना ट्रेवल होगा कि ये जितना हमारा जितना नुकसान हुआ है ना, शायद वो 2-3 साल में, 1-2 साल में भरपाई हो जाए। मतलब जितने लोग, मेरी क्या ऑस्ट्रेलिया, मेरे एक जानने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में और एक है कनाडा में, तो मेरी उनसे बात हुई एंड वो हमें बोले, वो उन्होंने मेरी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ इस बारे में, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ट्रेवल नहीं कर पा रहे हम लोग कहीं पे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं,
तो जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे तो सबसे पहला काम घूमने का होगा, क्योंकि लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है कोविड के दौरान। तो ये एक बड़ा वो है कि अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन घूमना है भाई। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नहीं, जो बूम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और लोग अच्छे से ट्रेवल करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कोरोना के बाद में बदल जाएंगी। जैसे कि होटल्स जो हैं वो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से, मतलब हाइजीन और मतलब अच्छे से सैनिटाइज हो, मास्क पहने, उन तरीके की मतलब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, क्लीननेस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं कि पहले कुछ भी चल जाता था वो शायद अब ना चले। तो जैसे ये सारी बातें आती ना, एक चीज तुरंत मेरे टाइप के लोगों के दिमाग में आता है एज अ कंज्यूमर, क्योंकि हमें मालूम है कि जितना ज्यादा ये फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाओ उतना कॉस्ट मेरे लिए बढ़ता जाएगा। तो आप क्या, आप ये बताइए कि अगर इस टाइप की चीजें होंगी ज्यादा, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन वगैरह वगैरह, तो जितना ज्यादा फोकस बढ़ेगा तो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए कॉस्ट भी फिर बढ़ेगा। सर मैं इस बार एक्चुअली जैसे मैं टूर ऑपरेटर हूँ, तो अगर मैं कोविड के बाद में अगर मुझे सर्वाइव करना है मुझे ट्रेवल इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर निकलेंगे काफी टाइम, तो वहां पे मैं मुझे कुछ बजट कॉन्शियस तो रहना ही पड़ेगा, मतलब कुछ कॉस्ट कॉन्शियस थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि मैं यू मन मर्जी टूर नहीं बेच सकता कि मैं अपने मन चाह प्रॉफिट लगा के बेच दिया। जो बजट है, जो टूर कॉस्ट है, वो गेस्ट भी उसमें संतुष्ट होना चाहिए और मैं भी संतुष्ट होना चाहिए, तो ये दोनों को मैच करती हुई कोई प्राइस होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के बाद में जो टूरिज्म आएगा तो लाइक हमारे इंडिया में तो वैसे भी गेस्ट भगवान होता है हम ये मानते हैं, बट आफ्टर कोविड टूरिज्म के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये भगवान साथ में मौत भी ला सकता है, इसलिए इसको ठीक से रखो। नहीं अब तो शायद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो कर देंगे, मे बी आई थिंक, जहां तक मुझे पढ़ रहा हूँ मैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही आए या कुछ ऐसा। नहीं ये तो होना ही था और ये अच्छी बात है कि हेल्थ हाइजीन पे हम जितना ज्यादा कॉन्शियस रहें उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं आगे कैसा होता है। राइट अभी इन्हीं सारी चीजों के बीच में मैं मनोज भाई ने अभी अपना खुद का एक स्टार्टअप भी किया है ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में ही, इन्होंने अपना एक कंपनी स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे मनोज जी से। काम किया, काफी नजदीक से मैंने जाना है कि मैंने इनबाउंड कंपनी में काम किया पहले, तो मैं काफी फॉरेन टूरिस्ट जो है उन सबके टेस्ट को और सबको मैं काफी अच्छे से समझ पाया हूँ कि किस तरीके से काम होता है। दूसरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि जैसे मैंने इतने साल काम करने के बाद में नाउ आई वांट टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव, लाइक आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। तो मैंने एक अपना खुद का स्टार्ट किया है सुवनियर ट्रेवल इंडिया के नाम से। तो उसमें क्या है, जैसे कि मैं एक इनबाउंड टूर ऑपरेटिंग कंपनी है जिसमें ऑल ओवर टूर्स ऑपरेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें मैं एक्चुअली दूसरों से थोड़ा अलग ये जाना चाहता हूँ कि जैसे से फॉर एग्जांपल आजकल किसी को भी कह देते हैं कि भैया आप मेरा टूर ऑपरेट कर दोगे, क्या बोले हाँ हम अरेंज कर देंगे। तो कोई भी टूर ऑपरेटर बन रहा है, अगर मैंने नोटिस किया कि अगर जो टैक्सी ड्राइवर क्लाइंट को पिक करता है एयरपोर्ट से, तो वो अगर क्लाइंट उससे पूछ लेता है कि आप मेरे रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट से 10 डेज के आप कर दोगे क्या, एंड ही वोंट से नो एंड ही से रिया या आई विल डेफिनेटली डू दैट, एंड वो करते भी हैं। तो मैं एक फिक्स उस पर नहीं चलना चाहता कि जैसे मैंने कोई गोल्डन ट्रायंगल घुमा दिया, दिल्ली आगरा जयपुर कर दिया, नो आई वांट टू शो माय इंडिया इन माय वे, कि जिसमें कि जो रियल इंडिया है वो आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, द फील द इंडिया की, जिसमें आप आपके रूरल विलेजेस विजिट कर रहे हो, वॉकिंग ट्रेल्स जो हैं। तो आप जैसे मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे भी सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंसेस डाले, मैंने टूर पैकेजेस तो बाद में डाले, सबसे पहले एक्सपीरियंसेस हैं। तो इंडिया में जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि मैं बात करूं वॉकिंग ट्रेल्स ऑफ इंडिया, मैंने एक डाला कि जिसमें जिसको अपने बाय वॉक हम एक्सप्लोर करेंगे, तो देर आर मेनी ट्रेल्स, लेट्स से कि श्रीनगर में हम लोग एक टूर अरेंज करते हैं जो कि हेरिटेज टूर होता है, हेरिटेज वॉकिंग टूर होता है, 2 आवर्स का टूर होता है जिसमें कि
श्रीनगर की किसी पॉइंट से हम गेस्ट को पिक करते हैं एंड देन उनको ओल्ड श्रीनगर में लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको पुराने घर दिखाते हैं, उनकी हिस्ट्री बताते हैं, वहाँ के जो वाजवान है, जो रेसिपी है उनके बारे में बताते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और सेम गोज अबाउट जैसे गोविंद देव जी टेम्पल में आरती वगैरह होती है जयपुर में, तो जयपुर में भी हम एक उनको वॉक कराते हैं मॉर्निंग में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो पाया है वो है कि लाइक इफ आई कंपेयर द मोन्यूमेंट्स विद ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, गेस्ट हमेशा इन चीजों को ज्यादा ऊपर रखता है बजाय कि किसी और उसके। तो अपार्ट फ्रॉम सीइंग द मोन्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स वी हैव लाइक बेस्ट लैंडमार्क्स हियर इन इंडिया लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्सपीरियंस है वो इनको होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक टूर डाला है फूड ट्रेल्स, एक एक्सपीरियंस है मेरी वेबसाइट पे। तो फूड में एक हमारे इंडिया को अपने इंडिया के पास में हमें दिखाने के लिए देर आर वेराइटी ऑफ लाइक कुजींस। तो जैसे लखनऊ हुआ, स्पेशली हैदराबाद हुआ, तो इन दीज प्लेसेस हम लोग जो है टूर अरेंज करते हैं। जैसे अभी कुछ सालों पहले किसी क्लाइंट ने कहा कि मैं खाने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं खाने में। हमने क्या किया, हम उनको हैदराबाद ले गए। हैदराबाद में जहाँ पे वो बड़े बड़े उसमें बिरयानी बनती है, जो बड़े सारे डेग जो होते हैं उनमें, हमने पर्सनली गेस्ट को वो एक्सपीरियंस करवाया कि आप बना के दिखाई। वहाँ पे जो कार्यकर्ता वो बना रहा था एंड ही वॉज वॉचिंग एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग द बिरयानी विद हिम, दैट वॉज सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर हिम। एंड वो बड़े हैप्पी हुए, खुश हुए कि मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो हमारे पास मतलब बहुत कुछ है दिखाने को, फेस्टिवल्स हुए और कई सारी चीजें हैं। जैसे मैं बात कर रहा था अरुणाचल प्रदेश की, उड़ीसा की, बड़े ऑफ बीट हैं, बट एक उड़ीसा में एक जगह है कांकेर पैलेस, एक तो वहाँ पे वो है बस्तर, वहाँ पे बड़ा ही सुंदर एक दशहरा का वो होता है फेस्टिवल, जो दशहरा होता है वो बड़े सुंदर तरीके से मनाते हैं। ट्राइबल्स जो होते हैं आसपास के वो इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, आसपास के सारे गाँव के, एंड पूरी रात वो लोग ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, एंड इट्स ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। सो दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइक मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब जो रूटीन हो जाता है, जो नॉर्मल होती है आइटनरी, उनसे थोड़ा हटके मतलब है। आप कुछ बता भी रहे थे जब हम लोग पहले बात कर रहे थे कि एक कपल को लेके आप कहीं जा रहे थे कोई मंदिर वगैरह दिखाने, लेकिन रास्ते में रुक गए और उन्हें वो चीज बड़ा अच्छा लगा था। वो कैसा था? या राइट, सो एक्चुअली वो बात थी लाहौल स्पीति की। 2019 में जब मैं गया था किसी क्लाइंट के साथ में, तो वी वर ड्राइविंग फ्रॉम नाको टू टाबो। सो टाबो इज वेरी फेमस फॉर द लाइक माइक बद्दी, बड़ी अच्छी एंड 1000 ईयर ओल्ड जो है वहाँ पे मोनेस्ट्री है, टाबो मोनेस्ट्री। तो जो बुद्धिज्म से रिलीजन से रिलेटेड लोग जो बहुत जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो और टाउन भी बहुत अच्छा है। तो हम क्या ड्राइव कर रहे थे नाको से टाबो की, एंड देयर वाज नो प्लान, वी वर ड्राइविंग स्ट्रेट। तो रास्ते में मैंने देखा है गिव करके एक गांव पड़ता है, विलेज, बड़ा सुंदर सा गांव है, छोटा सा, 10 किलोमीटर ऑफ बीट है, अंदर जाना पड़ता है। वहां पे टेम्पल है बड़ा सुंदर और एक मम्मी है 500 लाइक ईयर साल पुरानी जो है, एक मम्मी है जो कि वहां पे उन्होंने बड़ा सजा के एक रख रखी, मतलब हिमाचल में मम्मी, राइट, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया था वहां पे लाहौल स्पीति में कुछ सालों पहले, एंड उस अर्थक्वेक के दौरान, खुदाई के दौरान वो मिली उनको। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी भी। तो जब वो, एक तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा जो विलेज है दैट वाज अ रियल एक्सपीरियंस। हमने क्या किया, वहाँ पे लोकल जो थे वहाँ के उनके घर गए, वहाँ पे मैंने उन क्लाइंट्स को उनकी लोकल चाय पिलाई, कुछ उन्होंने चाय वगैरह ऑफर किया, एंड दैट वाज रियल। वो जो लोकल थे वो उनको बता रहे थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में कि हम ऐसे करते हैं, ये हमारा काम है, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड वो जो विलेज था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब हम टाबो पहुंचे, फाइनली हमने टाबो विजिट किया, तो उनको गिव विलेज जो रास्ते में हमने देखा था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो उससे ज्यादा सेटिस्फाइड थे, मतलब बहुत मजा आया उनको वो देख के। तो कई बार ये होता है कि डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई अग्री विद संदीप जी। तो आपका अगर हम कहें आपका ट्रेवल बिजनेस में यूएसपी यही रहेगा क्या, कि आप डेस्टिनेशन को केवल नहीं दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उस पूरे जर्नी का अनुभव करा रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, एक्चुअली डेस्टिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स से कि फाइनल जहाँ पे जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं कि वो एक लैंडमार्क हो गया, जिसे अगर मैं किसी और को भी कहूँ कि उस ताजमहल जाना, आगरा जाना है, तो ठीक है, एवरीबडी नोज,
बट लेट्स से कि जयपुर से आगरा ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेशन तो दे सकता हूँ कि जयपुर से आगरा आप ड्राइव कर रहे हो, उस दौरान आप दो चीजें देख सकते हो, पहला तो फतेहपुर सीकरी हो गया, मतलब दूसरा जो पहला जयपुर से आप जब जाओगे तो एक बड़ी सुंदर चांद बावड़ी है, अबलेर स्टेपवेल, वो बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, एंड जब भी क्लाइंट उसको देखते बड़े अप्रिशिएट होते हैं। तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि वो जो स्टेपवेल है वो अंदर गांव में जाके है और बड़ी सुंदर स्टेपवेल है, तो पहले तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, तो एंड दूसरा फतेहपुर सीकरी विजिट करते हो जाइए, तो जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई ना, तो जर्नी भी इंपॉर्टेंट हो गई, डेस्टिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई। आई कम्प्लीटली अग्री, बल्कि सिर्फ ट्रेवल में ही नहीं, मैं जिंदगी में भी लोगों से कई बार पूछता हूँ कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस, अल्टीमेट गोल टू अचीव। तो एट टाइम्स पीपल वुड नो, एट टाइम्स पीपल वुड नॉट नो, बट लेकिन जब अल्टीमेटली आता है कि जीवन का ही क्या अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां हमें पहुंचना है, तो किसी को नहीं मालूम एक्चुअली, एंड देयरफॉर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू एंजॉय द जर्नी। और इसीलिए मुझे ट्रेवलिंग क्यों पसंद है, जैसे मनाली, सो मनाली एक हो गया कि इट्स अ डेस्टिनेशन एंड लैंडमार्क, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो आपको खींचता है, अपनी तरफ लाता है। बट कई बार आप वहां पे जाके खुश भी हो सकते हो, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन माइंड सेटअप में बिल्डअप है कि अच्छा मनाली जाएंगे तो ये होगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोनों ही केसेस में अगर बॉल मिल गया तो ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकता है, और नहीं मिला तो खराब भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे लाइफ में जो भी हमारे लाइफ के गोल होते हैं, अगर उसको हमने बड़े अच्छे ढंग से आसानी से अचीव भी कर लेते हैं, तो हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कई बार अगर हम नहीं अचीव कर पाते हैं तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन बोथ द केसेस इन सम सेंस इट्स हार्मफुल, एंड देयरफॉर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे अंदर है हमें करनी चाहिए, इज यू एंजॉय द प्रोसेस, यू एंजॉय द जर्नी ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट जस्ट डूइंग समथिंग, राइट? राइट। वहां पे पहुंच के भी क्या कर लेंगे। मैं अक्सर ये एग्जांपल लोगों से लेता हूँ कि भाई माउंट एवरेस्ट, तो आप सोचो जी कि आपका गोल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, और आप उसके लिए 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हो, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, कि क्या क्या नई से ताम झाम कर रहे हो, और करते करते फाइनली आपने वो ट्रिप स्टार्ट की, बेस कैंप पे गए, धीरे धीरे चढ़ाई की, अपने चढ़ भी गए, पहुंच भी गए। अब तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मान लो कि आप पहुंच गए एवरेस्ट पे, अब आप क्या करोगे? और जनरल जवाब होता है कि भाई अब आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक तो जिंदगी पर्पस ही ये था इस पे चढ़ने का, अब चढ़ गए तो मालूम नहीं करना क्या है, आगे क्या करना है। तो मैक्सिमम मैंने एनीवेज वहां से आगे और जाने का जरूरत का कोई रास्ता तो है नहीं, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप झंडे गाड़ोगे, फोटो वोटो खींचोगे, थोड़ा देर बैठोगे, ब्यूटी को एंजॉय करोगे, एंड देन वापस उतरना शुरू। एंड देयरफॉर डेस्टिनेशन वर्क्स एज अ मैग्नेट, बट यू हैव टू एंजॉय दैट प्रोसेस। वो 4 साल तो जो चीज, जो पर्पस आपको बांध के रखा, ये करना है, वो करना है, ट्रेनिंग करना है, उस पूरे प्रोसेस को जब आपने एंजॉय किया है ना, देन ओनली इट इज वर्थ गोइंग देयर। लेकिन अगर ये प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं करते हो ना, देन इट इज मोर लाइक अ पनिशमेंट। किसी ने आपको ड्यूटी लगा दी, संदीप ने लगा दी, तो इन्हें को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अब उसके लिए ट्रेन कर रहे हो, तो दैट फील्स लाइक अ पनिशमेंट कि भाई मेरे से करवा रहे हैं। Exactly. तो यू एंजॉय द प्रोसेस, यू एंजॉय द जर्नी। ये मेरा सोच समझ है, मेरा मानना है। आई कंप्लीटली एग्री सर। या कंप्लीटली एग्री, लाइक जर्नी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन। सो बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोगों ने किया। अमित भाई, कुछ और सवाल आपके दिमाग में है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा हमने कर लिया है डिस्कशन, और ये हम लोग एंड पे आ गए हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि डेस्टिनेशन पे कुछ भी नहीं है, जर्नी में है सब कुछ। तो हमारी जो आज की डिस्कशन की जो जर्नी थी वो बहुत कमाल की थी, बहुत समझने की थी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मनोज जी आए। तो मैं उनको उनके नए वेंचर, नए स्टार्टअप के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक जो ट्रैक हमें करना है वो हम मनोज जी से ही उस ट्रैक का पूरा रूपरेखा तैयार कराएंगे, और हम उसको डेफिनेटली विल गोना बी देयर एंड एंजॉय इट। सो आपने रिस्क लिया है नया स्टार्ट करने का, और उसी से आपका समझ में आता है हाउ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ यू हैव इन व्हाट यू आर डूइंग। सो ऑल द बेस्ट, और सुनते रहेंगे और ढेर सारा काम करेंगे साथ में।
जरूर सर, प्लेजर मीटिंग यू सर. थैंक यू संदीप जी. थैंक यू. थैंक यू संदीप जी. टेक केयर. बाय बाय.